हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। और आज मैं फिर थोड़ा सा आउटिंग के लिए जा रही हूँ। मैंने सोचा अपना दूसरा व्लॉग बनाऊं, क्योंकि काफ़ी दिनों से बाहर कहीं गए नहीं। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मन ही नहीं करता कहीं बाहर जाने के लिए। तो चलो मिलते हैं फिर आपको। हेलो माय सन, हेलो दोस्तों। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं कितने का? आओ जी मैडम, ज़्यादा लंबा श्री लेदर में जा रहे हैं। अब श्री लेदर में कुछ बढ़िया सा मेरे बेटे के लिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग काकू कचौड़ी वाले के पास आए हैं। सीपी में इनकी दुकान है, बहुत ही टेस्टी कचौड़ी देते हैं और इनकी काफ़ी पुरानी दुकान है। तो अब आप लोग आके टेस्ट कर सकते हैं। हाफ और फुल, हाफ 25 रुपए में देते हैं और देखो फुल 50 रुपए में देते हैं। चीप ऑल्सो, नाइस ऑल्सो, एंड इट्स फ्रेश, एकदम गरम गरम कचौड़ी मिलती है। ये देखिए इनका नाम, वेरी नाइस। अभी हम लोग खाने वाले हैं, सो हेयर इट इज़। और भैया आप मुझे बताएंगे कब से है आपकी ये दुकान? 42 साल हो गए जी इस दुकान को। ओके, तो ये पहले कौन चलाते थे? पहले
वाले थे यहाँ पे। अच्छा, ओके, तो अब आप कब से चला रहे हैं? 11 साल हो गए। ओके, तो काफी रश होता होगा। ओके, चलो, कोविड की वजह से थोड़ा, हाँ जी, कोविड की वजह से कम है। ओके, हो जाएगा धीरे धीरे। चलो ठीक है। हाँ, 11 साल पहले आप कितने की बेचते थे? मैंने यहाँ शुरू कराया है तो मैंने 12 रुपए से। अच्छा, 12 रुपए से। ओके, सो गाइस, फिर भी देखिए, अभी भी ज़्यादा प्राइस नहीं है, बहुत सस्ती कचौड़ी बेचते हैं। आइए कभी इनकी दुकान पे, काकू की कचौड़ी वाले, तो खाइए इनकी कचौड़ी। एंड इट्स रियली टेस्टी, फ्रेश, सब्जी भी बहुत अच्छी है। और ये देखिए, आलू का अचार भी है इनके पास। एंड लुक द कचौड़ी, इट्स सो नाइस। ठीक है गाइस, चलो फिर मिलते हैं। अब हमने घूम फिर लिया है, आउटिंग कर ली, थोड़ी बहुत कचौड़ी खा ली, चाय पी ली बढ़िया सी सीपी में। और यहाँ से वैसे देखा जाए तो थोड़ी ही दूरी पे बंगला साहिब गुरुद्वारा है, मगर अब तो फ़िलहाल जा नहीं पाएंगे क्योंकि 8 बज चुके हैं, तो इसलिए अब हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा अब आप लोगों को गुड बाय कर दूँ। एनीवेज, मैं आपको यही कहूँगी, कभी भी आप सीपी आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छा मंदिर भी है। यहाँ पे मंदिर के अंदर भी आप जा सकते हैं, ये देखिए मेरे पीछे मंदिर भी है। और फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छी दुकानें हैं कचौड़ी खाने के लिए और चाय पीने के लिए। फिर आप बंगला साहिब घूम सकते हैं, नाइस प्लेस। और जनपद मार्केट, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, विंडो शॉपिंग, कनॉट प्लेस, इट्स वेरी फेमस फॉर एवरीथिंग। कल फ़िलहाल यहीं पे ही परेड हुई थी, तो आज कनॉट प्लेस काफ़ी साफ़ सुथरा, शांत भी था थोड़ा, तो अच्छा लगा आके। काफ़ी दिनों बाद आज हम लोग भी बाहर आए क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी, घर से निकल ही नहीं पाते। और फिर अब आपको पता है, फिर कोरोना हो गया है, तो इसलिए आना जाना थोड़ा इतना रिस्की लगता है, तो इसलिए। सो अब मैं वाइंड अप करूँगी। बाय, हैव अ नाइस डे, गुड।